Hello, welcome students. The topic of today is working with tables. So, I think you all have seen tables in MS Word. Actually, the table is a way by which we can organize data in tabular form that would be eye catching and at the same time it is manageable so today we are going to see how we can create table in ms word a table is an organized arrangement of text in the form of rows and columns the intersection of a column and a row is called a cell तो जैसा आप लोगों ने एम एस एक्सल में भी देखा था वहाँ पे तो पूरी की पूरी जो डॉक्यूमेंट होती है वो स्प्रेडशीट होती है मतलब एक टेबल ही होती है तो वहाँ पे भी सेल कॉलम और रो का कॉन्सेप्ट था तो वही सेम चीज़ आपके एम एस में भी अगर हम टेबल क्रिएट करते हैं तो वहाँ पे आती है तो एम एस में टेबल क्रिएट करते समय हम रोज़ एंड कॉलम्स क्रिएट करते हैं रो और कॉलम के इंटरसेक्शन पॉइंट को हम सेल बोलते हैं टेबल इज़ अ यूजफुल वे टू ऑर्गेनाइज एंड प्रजेंट लार्ज अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन दैट मीन्स सपोज दैट कि वी आर हैविंग अ लार्ज अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन फॉर एग्जाम्पल कि आप लोगों की यूनिट टेस्ट वन की मार्क ही है अगर हम उसको रिप्रेजेंट करना चाहेंगे तो वी हैव टू फॉर्म टेबल फॉर एग्ज़ाम्पल प्रोडक्ट कैटेलाग शोइंग डिस्क्रप्शन प्राइस कैरेक्टरस्टिक्स एंड फोटोग्राफ ऑफ प्रोडक्ट अगर हमें कोई प्रोडक्ट कैटेलाग बनाना है जहाँ पर उसकी डिस्क्रप्शन उसकी प्राइज उसका नाम उसका मैनुफेक्चरर का नाम उसकी प्राइस उसकी फ़ोटोग्राफ ये सारी चीज़ें अगर हमें रखनी हैं तो वी कैन यूज़ टेबल सेकेंड थिंग बिल्स और इन्वाइसिस टू ऑर्गेनाइज bills and invoices we can use tables list of names with address age profession and other information suppose that we want to make a list of employees in an organization with address age profession and other information we use tables and financial or statistical report so we use table at the same time if suppose we want to make a list of student with their uh, corresponding address, father's name, mother's name, Aadhaar card number, mobile number, etc. So, at that time we make table to organize them. Now, table can often be used as alternative to spreadsheet to organize data. A well-designed table convey information in a more meaningful way rather than the written text. तो टेबल एक तरीका है एक अल्टरनेटिव मेथड है जिसमें हम स्प्रेडशीट के जगह पे हम टेबल को यूज़ करते हैं और जब हम डेटा को टेबुलर फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं तो वो सिंपल टेक्स्ट के कंपैरिजन में ज़्यादा रीडेबल और ज़्यादा मैनेजेबल होता है नाउ मूविंग फॉरवर्ड द नेक्स्ट थिंग इज इंसर्टिंग टेबल तो स्टूडेंट वी आर गोइंग टू सी द डिफरेंट स्टेप्स बाई विच वी कैन इंसर्ट टेबल इन एम एस वर्ड तो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड प्रोवाइड अ वाइटी ऑफ वेज टू क्रिएट अ टेबल टू इंसर्ट अ न्यू टेबल पोजिशन द कर्सर वेयर यू वॉन्ट टू वॉन्ट द टेबल टू अपीयर तो सबसे पहली चीज़ ये होती है कि आपको एम एस वर्ड डॉक्यूमेंट में वो लोकेशन पिन पॉइंट करना होगा जहाँ पर आप टेबल को इंसर्ट करना चाहते हैं उसके लिए सिंपली आपको उस प्लेस पे क्लिक करना होगा जहाँ पे आप टेबल को इंसर्ट करना चाहते हैं यू हैव प्लेस्ड योर माउस एंड क्लिक इट सो योर कर्सर इज़ नाउ पोजिशनड ऑन द प्लेस वेर यू वॉन्ट टू इंसर्ट द टेबल नाउ मेथड वन दैट इज़ यूजिंग द टेबल ग्रिड तो अगर हम टेबल को इंसर्ट करना चाहते हैं तो जो सबसे पहला मेथड आता है वो ये है कि हम टेबल ग्रिड का यूज़ करके टेबल को इंसर्ट करें तो टेबल ग्रिड का यूज़ करके टेबल इंसर्शन यहाँ पे आप देख सकते हैं कि दिया हुआ है मैं उसको यहाँ पे डिमॉन्स्ट्रेट कर देता हूँ सबसे पहले आपको इंसर्ट टैब में जाके ये जो टेबल बटन है इस पर प्रेस करना होगा तो आई थिंक ऑल ऑफ यू आर अवेयर विद इंसर्ट टैब गो टू द इंसर्ट टैब एंड क्लिक ऑन द टेबल बटन नाउ वन यू क्लिक ऑन द टेबल बटन दिस ग्रिड लाइक स्ट्रक्चर विल अपीयर और भी कई सारे ऑप्शन आते हैं लेकिन ये जो ग्रिड वाला स्ट्रक्चर है ये सबसे पहले आता है अब इसमें आप अपने माउस के पॉइंटर को होवर करेंगे उन सेल्स के ऊपर जिसको आप सेलेक्ट करना चाहते हैं मतलब आप चाहते हैं जितने बाई जितने का टेबल हो उस पर आप अपने माउस के कौनस को पॉइंटर को होवर करेंगे तो उस केस में क्या होगा कि आपका जो टेबल है वो ऑटोमेटिकली जैसे एम एस डॉक्यूमेंट है ये और आपने अपने माउस के पॉइंटर को यहाँ पे होवर किया और आपने टेन बाई थ्री मतलब टेन क्या है नंबर ऑफ़ कॉलम्स हैं और थ्री क्या है नंबर ऑफ़ रोज़ है तो टेन बाई थ्री आपने सेलेक्ट किया तो ऑटोमेटिकली आपके एम एस डॉक्यूमेंट के बीच में जहाँ पर आपने क्रिएट किया है वहाँ पर टेन बाई का टेबल बनता जाएगा तो इसको बोलते हैं प्रीव्यू ऑफ द टेबल और जब आप इंटर की प्रेस करेंगे या कहीं और क्लिक करेंगे तो आपका टेबल बनके प्रिपेयर हो जाएगा तो सी क्लिक ऑन द इंसर्ट टैब एंड सेलेक्ट द टेबल बटन इन द टेबल्स ग्रुप तो टेबल बटन पे क्लिक करेंगे टेबल्स ग्रुप में नाउ ड्रैग द माउस पॉइंटर ओवर द ग्रेड एंड कवर द नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम्स यू वॉन्ट इन द टेबल द टेबल विल भी इंसर्टेड ऑन द वर्किंग एरिया तो आपको सिम्पली इंसर्ट टैब में जाना है वहाँ पर आपको टेबल बटन पर क्लिक करना है एंड देन यू हैव टू ड्रैग योर माउस ओवर द ग्रेड एंड कवर द नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम योर टेबल विल बी क्रिएटेड सेकेंड मेथड यूजिंग इंसर्ट टेबल ऑप्शन तो जो सेकेंड मेथड है वो है इंसर्ट टेबल ऑप्शन का यूज़ करना जो आप यहाँ पे देख सकते हैं ये इंसर्ट टेबल ऑप्शन है ये पहला वाला इंसर्ट टेबल ऑप्शन है तो इफ़ यू वांट टू यूज़ दिस ऑप्शन यू जस्ट नीड टू क्लिक ऑन द इंसर्ट टैब देन क्लिक ऑन द टेबल बटन इन द टेबल्स ग्रुप अब जो ड्रॉप डाउन लिस्ट आ रही है उसमें सबसे पहले टेबल ग्रिड आता है उस टेबल ग्रिड के जस्ट नीचे आप देखेंगे तो जो सबसे पहला ऑप्शन है दैट इज इंसर्ट टेबल ऑप्शन तो नाउ सी क्लिक ऑन द इंसर्ट टैब एंड सेलेक्ट द टेबल बटन इन द टेबल्स ग्रुप एंड सेलेक्ट इंसर्ट टेबल ऑप्शन फ्रॉम द ड्रॉप डाउन मेन्यू द इंसर्ट टेबल डायलॉग बॉक्स अपीयर्स इंसर्ट टेबल डायलॉग बॉक्स को आप यहाँ पे देख सकते हैं वो इस तरीके से दिखता है आपका ये वाला इंसर्ट टेबल डायलॉग बॉक्स इसमें अगर आप देखेंगे इंसर्ट टेबल डायलॉग बॉक्स में तो आपको यहाँ पे ऑप्शंस मिलेंगी नंबर ऑफ रोज की नंबर ऑफ़ कॉलम्स की जैसे यहाँ पे आप देखेंगे इंसर्ट टेबल में पहला जो ऑप्शन है दैट इज़ एक्चुअली मैं यहाँ पे जूम कर देता हूँ तो ये है नंबर ऑफ़ कॉलम्स फिर है नंबर ऑफ़ रोज़ तो इसमें आपको देना है नंबर ऑफ़ कॉलम्स में कि कितने नंबर ऑफ़ कॉलम आपको चाहिए और नंबर ऑफ़ रोज़ में आप देंगे कितने नंबर ऑफ़ रोज़ आपको चाहिए और ये अगर आप एक्सक्लूड भी कर दें और ओके okay बटन प्रेस करें तो ऑटोमेटिकली आपका जो टेबल है वो क्रिएट हो जाएगा नाउ तो द इंसर्ट टेबल डायलॉग बॉक्स अपीयर स्पेसिफाई द नंबर ऑफ कॉलम्स एंड रोज इन द डायग बॉक्स इन द ऑटो फिट बिहेवियर सेलेक्ट द डिज़ायर्ड प्रॉपर्टी बाई क्लिकिंग ऑन द अप्रोप्रिएट रेडियो बटन तो ये जो आपका दिया हुआ है इसमें आप अपने अकॉर्डिंग अप्रोप्रिएट रेडियो बटन सेलेक्ट कर सकते हैं पहला है फिक्सड कॉलम विर्थ यहाँ पर क्या होगा जो कॉलम के विथ हैं वो फिक्स हो जाएगी दूसरा है ऑटो फिट टू कंटेंट एंड थर्ड है ऑटो फिट टू विंडो तो देखो इसमें क्या होता है ये भी जान लो कि अगर मान लीजिए आपने फोर बाई सिक्स का टेबल बनाया है फोर नंबर ऑफ़ कॉलम्स हैं सिक्स नंबर ऑफ़ रोज हैं तो वन टू थ्री फोर वन टू थ्री फोर यहाँ पे हम ले लेते हैं फाइव और सिक्स तो इसमें क्या होगा ये जो साइज़ होगी ये फिक्स होगी मतलब अगर आप कंटेंट इसमें डालेंगे तो जब इसकी साइज से बाहर जाएगा तो वो अपने आप नेक्स्ट लाइन में मूव कर जाएगा तो ये फिक्स कॉलम विर्थ है दूसरा है ऑटो फिट कंटेंट तो ऑटो फिट कंटेंट में क्या होगा कि अगर मान लीजिए यहाँ पे आप कंटेंट डालते जा रहे हैं और इस बाउंड्री तक पहुँचा और इससे ज़्यादा कंटेंट है तो ये बाउंड्री अपने आप इस साइड में इस डायरेक्शन में मूव कर जाएगी और आपका जो कंटेंट है वो वहाँ पे फिट हो जाएगा और ऑटो फिट टू विंडो जो हम करेंगे तो उसमें जो विंडो की पूरी साइज़ होगी उसमें आपका जो टेबल है वो ऑटोमेटिकली फिट हो जाएगा तो प्लीज़ इस सारे ऑप्शंस को आप ट्राई कीजिएगा जब आप टेबल बनाएंगे नाउ द टेबल विथ द डिफाइंड सेटिंग विल बी इंसर्टेड तो वंस यू क्लिक ऑन द ओके बटन द टेबल विल विथ डिफॉल्ट सेटिंग विल भी इंसर्टेड और अगर आप इसमें से कोई और ऑप्शन यूज करेंगे तो आपकी सेटिंग के अकॉर्डिंग टेबल क्रिएट होगा नाउ मूविंग फॉरवर्ड थर्ड वन इज ड्राॅइंग टेबल ऑप्शन सो टू यूज दिस ऑप्शन यू कैन ऑल्सो इंसर्ट अ टेबल इन योर डॉक्यूमेंट बाई ड्राॅइंग इट ऑन द वर्किंग एरिया क्लिक ऑन द इंसर्ट एंड सेलेक्ट द टेबल बटन एंड क्लिक ऑन ड्रॉ टेबल ऑप्शन तो आप इसको यहाँ पे देख सकते हैं इस तरीके से कि सबसे पहले आपको इंसर्ट टैब में जाके टेबल बटन प्रेस करना होगा और टेबल बटन जब आप प्रेस कर लेंगे तो यहाँ पे आपको मिलेगा ड्रॉ टेबल ऑप्शन जो यहाँ पर येलो कलर के बॉर्डर में डिस्प्ले हो रहा है तो वेन यू क्लिक ऑन ड्रॉ टेबल बटन द पॉइंटर विल चेंज टू इन टू अ पेंसिल प्रेस लेफ्ट माउस बटन एंड ड्रैक द पेंसिल ऑन द वर्किंग एरिया तो जब आप ड्रॉ टेबल बटन प्रेस करते हैं तो ऊपर एक ऑप्शन बार भी आ जाता है जहाँ पे टेबल ड्रॉ करने के ऑप्शन आ जाते हैं तो ड्रॉ का ऑप्शन पेंसिल का सिंबल बन जाएगा फिर इरेजर का सिंबल बन जाएगा और भी कई सारे ऑप्शंस आएंगे जिसका यूज़ करके आप इरेज कर सकते हैं टेबल क्रिएट कर सकते हैं एट्सेट्रा तो जब आपने ड्रॉ टेबल बटन प्रेस किया तो पेंसिल का इकन आ जाएगा अब आप जैसे आप पकड़ के ड्रैग करेंगे तो एक टेबल आपका क्रिएट हो जाएगा अब अगर आपको मान लीजिए इसमें एक कॉलम और ऐड करना है तो आप इसके इस बाउंड्री पे क्लिक करेंगे और ऐसे खींच देंगे एक कॉलम आ जाएगा फिर ऐसे दूसरा कॉलम फिर इधर से इधर खींचेंगे तो एक रो बन जाएगी फिर इधर से इधर खींचेंगे एक रो बन जाएगी तो ये एक तरीका है जिससे आप अपने अकॉर्डिंग टेबल में टेबल का क्रिएशन कर सकते हैं तो ड्रॉ रोज एंड कॉलम्स बाय ड्रैगिंग द माउस ऑन द वर्किंग एरिया द टेबल विल बी क्रिएटेड तो देखिए आप लोगों ने तीन मेथड्स देखे हैं टेबल के क्रिएशन के पहला बाय यूजिंग टेबल ग्रिड सेकेंड बाई यूजिंग इंसर्ट टेबल एंड थर्ड बाई यूजिंग ड्रॉ टेबल तो वॉट एवर ऑप्शन यू वॉन्ट यू कैन यूज़ द ईजीएसट वन इज़ टू इंसर्ट टेबल यूजिंग टेबल क्रिड बट द लिमिटेशन ऑफ टेबल ग्रिड इज़ कि यहाँ पर हम उतना ही बड़ा टेबल क्रिएट कर सकते हैं जितना हमारे क्रिड में ऑप्शन दिए हुए हैं जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं अगर इस ग्रिड से ज़्यादा साइज़ का हम टेबल क्रिएट करना चाहते हैं तो उसके लिए या तो हम इंसर्ट टेबल में जाएंगे, या हम ड्रॉ टेबल में जाएंगे। इंसर्ट टेबल का यूज़ हम करते हैं टेबल को अपने अकॉर्डिंग इंसर्ट करने के लिए जब हमको पहले से पता हो कि कितने नंबर ऑफ़ रोज़ और कितने नंबर ऑफ़ कॉलम्स हमारे टेबल में होने चाहिए लेकिन ड्रॉ टेबल ऑप्शन का हम यूज़ तब करते हैं जब हमको पहले से ना पता हो कि हमारे टेबल में कितने रोज़ और कॉलम्स चाहिए अब अगर मान लीजिए हमने एक टेबल बना लिया और हम एक नया कॉलम चाहते हैं तो ड्रॉ टेबल में जाएंगे और इजली हम एक कॉलम ऐड कर सकते हैं तो आई थिंक इट इज़ क्लियर टू यू ऑल नाउ मूविंग फॉरवर्ड द नेक्स्ट टॉपिक इज इंटरिंग डेटा इन अ टेबल तो वंस यू हैव क्रिएटेड अ टेबल देन यू कैन इंटर सम डेटा इन इट लाइक दिस यू कैन सी अ टेबल विथ फोर रोज एंड फिल ऑफ डेटा तो प्लेस द इंसर्शन पॉइंट इन द सेल वेयर यू वॉन्ट टू इंटर डेटा एंड टाइप द टेक्स्ट तो जैसे मान लीजिए यही सेम टेबल यही सेम डेटा अगर हमको इनपुट करना है तो सबसे पहले हम फर्स्ट सेल में जाएंगे टेबल के फर्स्ट सेल में जाएंगे जैसे एम्प्लॉई नेम जहाँ पे लिखा हुआ है ऐसे मान लो टेबल है इसके फर्स्ट सेल में जाएंगे क्लिक करेंगे एंड देन वी हैव टू टाइप द टेक्स्ट नाउ मूव टू द नेक्स्ट एट ज्वाइनिंग सेल इधर प्लस टैप की और राइट एरो की तो अगर मान लीजिए हमने फर्स्ट सेल में डेटा इंटर कर दिया अब हम चाहते हैं कि जो डेटा है वो हमारा सेकेंड सेल में जाए जैसे मान लो ये फर्स्ट सेल में डेटा हमने इनपुट कर लिया अब हम सेकेंड सेल में जाना चाहते हैं इसके जस्ट नेक्स्ट वाले मतलब इस सेल में जाना चाहते हैं तो वी नीड टू प्रेस टैप की और वी कैन हैव प्रेस द राइट एरो की तो देखो आपके कीबोर्ड में ये चार एरो बटन्स हमारी इस तरीके से एग्जिस्ट करती हैं जो आप लोगों ने आई थिंक देखा होगा तो ये जो एरो की है इसका इसको भी प्रेस करके हम नेक्स्ट सेल में मूव कर सकते हैं टू मूव टू द प्रीवियस सेल इधर प्रेस सिफ्ट प्लस टैब की और द लेफ्ट एरो की अब अगर मान लीजिए आप सेकेंड सेल में हैं और आपको फिर प्रीवियस सेल में जाना है तो वी कैन प्रेस स्विफ्ट प्लस टैब और वी कैन प्रेस लेफ्ट एरो की टू मूव टू द प्रीवियस सेल नाउ इंटर द डेटा एन इन फिगर टेन पॉइंट इलेवन द अप एंड डाउन कीज विल मूव द इंसर्सन पॉइंट एबव और बिलो इट्स करेंट लोकेशन तो जैसे आपको मैंने अभी बताया कि जो हमारी एरो कीज़ हैं जैसे अब की यूज़ करेंगे तो मान लो यहाँ पे इंसर्सन पॉइंट है तो अब यहाँ पे चला जाएगा डाउन की यूज़ करेंगे अगर मान लो यहाँ पे हमारा इंसरसन पॉइंट है तो फिर यहाँ आ जाएगा लेफ्ट इधर मूव करेगा राइट इधर मूव करेगा तो एरोकीस का यूज़ करके हम ईजिली नेविगेट कर सकते हैं आपके टेबल के अंदर नाउ मूविंग फॉर्वर्ड नेक्स्ट टॉपिक इज सेलेक्टिंग डिफरेंट पार्ट्स ऑफ अ टेबल तो हियर यू आर गोइंग टू सी द वे बाई विच वी कैन सेलेक्ट द डिफरेंट पार्ट ऑफ द टेबल तो टू सेट सेलेक्ट द टेक्सट इन साइड अ सिंगल सेल बाई यूजिंग द माउस तो पहला जो ऑप्शन यहाँ पे आता है सिलेक्शन का वो है अगर हम केवल एक सेल सेलेक्ट करना चाहते हैं तो क्लिक ऑन द एज ऑफ द सेल तो जो सेल है उसके एज पे मतलब उसके बॉर्डर पे हम सिंगल क्लिक करेंगे हमारा जो सेल है वो सेलेक्ट हो जाएगा जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं इसके एज पे क्लिक किया गया है नाउ इफ यू वॉन्ट टू सेलेक्ट अ रो तो मूव द माउस टू द लेफ्ट ऑफ द रो मार्जिन एंड क्लिक ऑन द लेफ्ट माउस बटन एंड ड्रैक टू द एंड ऑफ द रो तो इस केस में आपको क्या करना होगा इस केस में आपको लेफ्ट मार्जिन मतलब सबसे लेफ्ट मोस्ट सेल पर आपको क्लिक करना होगा और क्लिक करके अपने माउस को ड्रैक करेंगे पूरे सेल के लास्ट तक आपका पूरा एक इंटायर रो सेलेक्ट हो जाएगा मतलब एक जगह से स्टार्ट करेंगे और रो के एंड तक हम अपने माउस पॉइंटर को मूव करेंगे पूरा का पूरा जो रो है जितने भी सेल होंगे रो में वो सेलेक्ट हो जाएंगे ऐसे ही अगर हम एक कॉलम को सेलेक्ट करना चाहते हैं दो प्लेस द माउस पॉइंटर ओवर द टॉप ऑफ द कॉलम एंड क्लिक ऑन द लेफ्ट माउस बटन तो उस केस में आपको क्या करना होगा कॉलम के टॉप मोस्ट पार्ट पे क्लिक करेंगे और आपका जो पूरा का पूरा टेबल का कॉलम है जिस कॉलम में हमने ऊपर इंसर्ट क्लिक किया है वो पूरा कॉलम हमारा सेलेक्ट हो जाएगा तो देखिए जैसे अगर हमारे पास टेबल है और टेबल में एक सेल सेलेक्ट करना है तो हम बस इसके बॉर्डर पे क्लिक कर देंगे सेल सेलेक्ट हो जाएगा अगर हमको पूरा रोज़ सेलेक्ट करना है और भी मान लो है तो यहाँ से क्लिक करेंगे और ड्रैग करेंगे अगर हमें कॉलम सेलेक्ट करना है तो हम यहाँ क्लिक करके देखेंगे तो हो सकता है यहाँ से भी सिलेक्शन हो जाए अगर आपका माउस सेंसिटिव है नहीं तो हम यहाँ क्लिक करके ड्रैग कर लेंगे ये पूरा का पूरा जो हमारा कॉलम है वो सेलेक्ट हो जाएगा और अगर हम पूरे टेबल को एक साथ सेलेक्ट करना चाहते हैं तो दैट इज़ द इंटायर टेबल सेलेक्शन तो क्लिक ऑन द टेबल मूव हैंडल और ड्रैग द माउस ओवर द इंटायर टेबल तो इसके दो तरीके होते हैं जैसे आपने जब भी टेबल क्रिएट किया है तो जैसे मान लो यहाँ पे एक टेबल क्रिएट हो गया है जब भी आप इसको सेलेक्ट करोगे इसमें कहीं पे भी क्लिक करोगे तो इसके कॉर्नर में यहाँ पे ऊपर एक मूव का हैंडलर आ जाएगा अब आप इस पर अगर क्लिक करते हैं तो पूरा का पूरा जो टेबल है वो सेलेक्ट हो जाएगा या दूसरा तरीका क्या है कि आप इसके फर्स्ट सेल में क्लिक कीजिए और माउस के पॉइंटर को ड्रैग कीजिए इस तरीके से ड्रैग कीजिए कि सारे के सारे सेल हमारे सेलेक्ट हो जाएं। दीज आर द टू मेथड्स बाय विच वी कैन सेलेक्ट द इंटायर टेबल तो आई थिंक इट इज़ क्लियर टू यू ऑल नाउ मूविंग फॉरवर्ड टू सेलेक्ट द टैक्स्ट इन टेबल तो टेबल के अंदर जो टेक्स्ट है उसको अगर हम सेलेक्ट करना चाहते हैं तो वहाँ पर भी कुछ ऑप्शनस आप यहाँ देख सकते हैं ये दिया हुआ है अगर हम वर्ड सेलेक्ट करना चाहते हैं तो क्या करें हम सेंटेंस सेलेक्ट करना चाहते हैं तो क्या करें हम ब्लॉक ऑफ टेक्स्ट सेलेक्ट करना चाहते हैं और पैराग्राफ सेलेक्ट करना चाहते हैं तो इफ सपोज वी वॉन्ट टू सेलेक्ट अ वर्ड दैन जस्ट डबल क्लिक ऑन द वर्ड इफ यू डबल क्लिक ऑन द वर्ड वन वर्ड जिसपे हमने अभी डबल क्लिक किया है दैट वर्ड वुड बी सेलेक्टेड इफ सपोज वी वॉन्ट टू सेलेक्ट अ सेंटेंस सो एट दैट टाइम होल्ड डाउन द कंट्रोल की एंड क्लिक एनी वेयर इन देंटेंस तो बाई क्लिकिंग ऑन बाई होल्डिंग द कंट्रोल की हम प्रेस करेंगे और होल्ड करेंगे कंट्रोल की को और सेंटेंस में कहीं भी क्लिक करेंगे ये जो पूरा इंटायर सेंटेंस है वो हमारा सेलेक्ट हो जाएगा थर्ड थिंग इज ब्लॉक ऑफ टेक्स्ट तो अगर हमें एक ब्लॉक ऑफ टेक्स्ट को सेलेक्ट करना है तो ड्रैग द माउस ओवर द टैक्स्ट हम क्लिक करेंगे और माउस को ड्रैक करेंगे टेक्स्ट पे कि जितना हम चाहते हैं वहाँ तो उतना सेलेक्शन हो जाए एंड लास्ट अ पैराग्राफ तो अगर हमें एक पैराग्राफ को सेलेक्ट करना है जो मान के चलो कि कई लाइन से मिल के बनी हुई है तो हम ट्रिपल क्लिक करेंगे तो वन टू थ्री हम थ्री टाइम्स क्लिक करेंगे उस पैराग्राफ में कहीं पे भी एंड द इंटायर पैराग्राफ विल गेट सेलेक्टेड तो सी देखिए यहाँ पे दो चीज़ें हैं सिलेक्शन की अगर हम टेबल सिलेक्शन करना चाहते हैं तो एक सेल को कैसे सेलेक्ट कर सकते हैं एक रो को कैसे सेलेक्ट कर सकते हैं कॉलम या इंटायर टेबल को कैसे सेलेक्ट कर सकते हैं यू हैव सीन एंड इफ़ वी वांट टू सेलेक्ट द टेक्स देन हाउ वी कैन सेलेक्ट अ वर्ड अ सेंटेंस अ ब्लॉक और अ पैराग्राफ यू हैव सीन ऑल दीज हियर तो स्टूडेंट प्लीज ट्राई बाय यू ओन एंड ट्राई टू सेलेक्ट द टेबल्स डेटा एंड

और वर्टिकल अलाइनमेंट दैट मीन्स अलाइनिंग द डेटा वर्टिकली दैट मीन्स टॉप मिडिल एंड बॉटम तो इसके आधार पे जब भी आप ये यूज़ करना चाहेंगे तो अब आपको टोटल नौ ऑप्शंस मिलेंगे विल गेट नाइन ऑप्शंस टू अलाइन द टेक्स्ट। तो देखिए जैसे आप ऐसे समझ सकते हो कि वर्टिकल अलाइनमेंट में पहला ऑप्शन होता है टॉप दूसरा होता है मिडिल और तीसरा होता है बॉटम और हॉरिजेंटल अलाइनमेंट के लिए जो आपको ऑप्शंस मिलते हैं वो होता है लेफ्ट दूसरा होता है सेंटर और तीसरा होता है राइट ठीक है तो टोटल आपको इतने ऑप्शंस मिलेंगे पहला ऑप्शन होगा टॉप लेफ्ट में अलाइन करने के लिए दूसरा टॉप सेंटर में तीसरा टॉप राइट right में फिर मिडिल लेफ्ट मिडिल सेंटर मिडिल राइट फिर बॉटम लेफ्ट बॉटम सेंटर एंड बॉटम राइट तो दीज आर द ऑप्शंस तो वो चीज़ आप यहाँ पे देख सकते हैं ये वो बटन्स हैं जिनका हम यूज करते हैं अपने अलाइनमेंट करने के लिए टॉप लेफ्ट है ये टॉप सेंटर है ये टॉप राइट है ऐसे ही मिडिल लेफ्ट मिडिल सेंटर मिडिल राइट बॉटम लेफ्ट बॉटम सेंटर एंड बॉटम राइट तो दीज आर द डिफरेंट अलाइनमेंट ऑप्शन फॉरवर्ड बाई डिफॉल्ट द डेटा इंटर्ड इन द टेबल इज अलाइन टू द टॉप लेफ्ट ऑफ द सेल तो बाई डिफॉल्ट अगर हमने कोई अलाइनमेंट नहीं यूज किया है तो जो डेटा है वो टॉप लेफ्ट कॉर्नर में अलाइन होता है नाउ यू कैन चेंज द डिफॉल्ट अलाइनमेंट फॉर द इंटायर टेबल टू वर्टिकली अलाइन द टेक्स्ट इन स्पेसिफिक सेल तो अगर आप चाहें तो आप अपने अकॉर्डिंग जो अलाइनमेंट है उसको आप चेंज कर सकते हैं तो सी टू डू दिस वी आर हैविंग फ्यू मैथड्स द फर्स्ट थिंग इज मैथड वन तो मैथड वन में सेलेक्ट द सेल रोज और कॉलम हुज अलाइनमेंट यू वांट टू चेंज तो या तो आप रोज सेलेक्ट कीजिए या सेल सेलेक्ट कीजिए या कॉलम सेलेक्ट कीजिए या पूरा टेबल ही सेलेक्ट कर लीजिए जिसका अलाइनमेंट आपको चेंज करना है यू नीट टू सेलेक्ट दैट ओनली देन क्लिक ऑन द लेआउट टैब एंड सेलेक्ट द सुटेबल अलाइनमेंट बटन इन द अलाइनमेंट ग्रुप तो उसके बाद हम ले टैब में जाएंगे ये जो लेआउट टैब है देखो डिज़ाइन फिर लेआउट। तो इस लेआउट टैब के अंदर आके अलाइनमेंट ग्रुप ऑफ बटन में से इन जो नौ ऑप्शंस हैं इनमें से कोई भी अप्रोप्रिएट ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे ये वाला तो बाय डिफॉल्ट होता है अब अगर हम मिडिल सेंटर रखना चाहते हैं ये वाला ऑप्शन तो इस पर क्लिक करेंगे जो डेटा है वो हमारा अलाइन हो जाएगा अकॉर्डिंग टू और सेलेक्शन नाउ मूविंग फॉरवर्ड सेकेंड मेथड इज प्लेस द कर्सर इन द सेल हुज अलाइनमेंट इज टू बी चेंज्ड और क्लिक एंड ड्रैक टू मल्टीपल सेल तो पहले या तो हम अपने माउस के पॉइंटर को कर्सर को वहाँ प्लेस करेंगे जिस सेल का हम अलाइनमेंट चेंज करना चाहते हैं या हमने माउस से सेलेक्ट कर लिया ड्रैग करके एडजेसेंट सेल्स को या उन सेल्स को जिसको हम सेलेक्ट करना चाहते हैं नाउ राइट क्लिक ऑन द सेलेक्टेड एरिया एंड अ शॉर्टकट मेन्यू अपीयर्स क्लिक ऑन द सेल अलाइनमेंट ऑप्शन एंड सेलेक्ट द डिज़ायर्ड अलाइनमेंट तो अब हमको करना ये होगा कि जब सेलेक्शन हमने कर लिया अब उसके बाद हम राइट right क्लिक करेंगे और राइट right क्लिक करने के बाद देखेंगे आप तो ये जो लिस्ट ऑफ ऑप्शन हैं ये यहाँ पे अपीयर होंगे अब इन लिस्ट ऑफ ऑप्शंस में देखिएगा कट कॉपी पेस्ट इंसर्ट डिलीट ये सारे ऑप्शन आएंगे यहाँ पे आता है सेल अलाइनमेंट तो वी नीड टू क्लिक ऑन द सेल अलाइनमेंट जब हम सेल अलाइनमेंट पे क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे कि ये जो नौ ऑप्शंस थे अगेन वो यहाँ पे अपीयर हो जाएंगे अब इन ऑप्शंस में से भी डायरेक्टली हम जो ऑप्शन चाहते हैं वो हम सेलेक्ट करेंगे और हमारा जो सेल अलाइनमेंट है दैट विल बी चेंज टू आर डिज़ायर्ड अलाइनमेंट सो स्टूडेंट देयर आर टू वेज इधर we can select these 9 options from the uh, layout option, layout tab or we can right click and then in cell alignment we can select the appropriate option so you can see yaha the table yaha alignment now moving forward next thing is rotating text in a cell तो देखिएगा अगर हम टेक्स्ट को रोटेट करना चाहते हैं तो आप यहाँ पे देखोगे एक ऑप्शन आ रहा है टेक्स्ट डायरेक्शन इसका हम यूज़ करते हैं तो टेक्स्ट को रोटेट करना मतलब क्या है अब आप ऐसे समझो कि हमारा एक टेबल है और टेबल में एक सपोज़ करो सेल है इसमें लिखा है ए बी सी अब हम टेक्स्ट के डायरेक्शन को चेंज कर सकते हैं इसको रोटेट कर सकते हैं इस तरीके से कि ये जो हो ये जो वैल्यू हो वो ए बी सी आ जाए या ए बी सी आ जाए इस तरीके से हम इसको रोटेट कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग तो देखिए रोटेशन uh, के लिए हम करेंगे क्या तो टू द टेक्स्ट रोटेशन इज़ यूजफुल व्हेन यू हैव लॉन्ग हैडिंग फॉर नैरो कॉलम्स तो कभी कभी ऐसा होता है कि हेडिंग बहुत लॉन्ग है लेकिन उसके अंदर जो वैल्यूज हैं वो बहुत छोटी हैं और हम चाहते हैं कि जो हमारा पूरा टेबल है वो एक पेज पे नॉर्मली फिट हो जाए तो इफ़ वी आर हैविंग लॉन्ग हेडिंग्स फॉर नैरो कॉलम वी कैन सेलेक्ट वी कैन डिस्प्ले द डेटा एट अ डिफरेंट लोकेशन इन सेल बाई रोटेटिंग इट फॉर एग्जाम्पल यू कैन सी ही ये जो टेक्स्ट था जो कॉलम के हेडिंग्स थे वो अब यहाँ पे इस तरीके से प्लेस किए गए हैं रोटेट करके तो इसी को हम बोलते हैं टेक्स्ट रोटेशन तो फॉर दैट फर्स्ट सेलेक्ट द टेक्स्ट इन द सेल दैट यू वांट टू रिपोजिशन हम उस टेक्स्ट को सेलेक्ट करेंगे जिसको हम रिपोजिशन करना चाहते हैं नाउ ऑन द लेआउट टैब इन द टेबल टूल कॉन्टेक्चुअल टैब क्लिक ऑन द टेबल डायरेक्शन तो क्लिक ऑन द लेआउट टैब इन द टेबल टू टूल्स कॉन्टेक्चुअल टैब एंड सेलेक्ट द टेक्स डायरेक्शन ऑप्शन इन द अलाइनमेंट ग्रुप तो ये जो टेक्सट डायरेक्शन ऑप्शन है इसको हम सेलेक्ट करेंगे नाउ कीप ऑन क्लिकिंग द टेक्सट डायरेक्शन बटन अंटिल यू योर टेक्सट फेसिस द डिजायर डायरेक्शन तो उसके बाद जब टैक्स डायरेक्शन पे हम क्लिक करेंगे एक ऑप्शन आ जाएगा टैक्स डायरेक्शन का और तब तक हम वहाँ पे क्लिक करते रहेंगे जब तक कि हमारा जो टैक्स डायरेक्शन है वो हमारे आ, अनुसार ना हो जाए अब देखो जब टैक्स डायरेक्शन पर हम क्लिक करेंगे ना तो उस केस में जैसे मान लो टेक्स्ट है हमारा ए बी सी अब ये इस तरीके से बना होगा और ऐसे बना होगा यहाँ प्लस का सिंबल लगा होगा अब जैसे जैसे हम क्लिक करेंगे वो हमारा जो टेक्स्ट है वो इस तरीके से मूव करता जाएगा अब हमने यहाँ पे मूव कर लिया तो हमारा जो टेक्स्ट है वो इस तरीके से हो जाएगा अगर हम यहाँ पे अभी तक पहुँचेंगे तो ये जो टेक्स्ट है वो डायगोनल हो जाएगा इस तरीके से तो इस हम तब तक क्लिक करते रहेंगे जब तक कि हमारा जो टेक्स्ट है वो मूव ना हो जाए तो दिस इज हाउ वी कैन अलाइन द टेक्स्ट एंड वी कैन चेंज द डायरेक्शन ऑफ द टेक्स्ट